बढ़िया तरीके से, और आप कह भी नहीं सकते, ये आप एकदम करीब से देख सकते हैं। अब इसकी गंदगी हम सफाई कर रहे हैं, देखिए आप। अच्छा, और इसको असली काम की तैयार करेंगे। जी डाल जी, सबसे पहले अपना आ गया ये अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज आ गया, ये कम से कम एक घंटा पकेगा। ये एकदम तैयार हो चुका है पूरा। एकदम कढ़ाई को जो उल्टा कर रखा है और इस पे इस रोल को बनाने की प्रयास करेंगे। ओ भाई साहब क्या बात है, पूरा ही सेक दिया, दबा दबा के जान निकाल दी उसकी है। ये प्याज के लच्छे। अच्छा ये अपना मटन जो है, ये देखो भाई अंदर का माल, ये देख सकते हैं चिकचेट में मटन कलेजी रोल किस तरीके से तैयार होता है। जैसे कि कलेजी गुर्दा इसमें मिक्स है। अच्छा। अब जो है इसको हम बॉयल करते हैं, ठीक है कि हम इसको जला देते हैं बॉयल के लिए। ये लीजिए मटन कलेजी, और ये कम से कम 3 किलो है। 3 किलो जी। आज आपको जो भी मन में डाउट होगा ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हम क्या आपको खिलाते हैं, ये पानी में हल्का सा हल्दी डाल दिए और इसको करीबन 15 से 20 मिनट बॉयल करेंगे। इसमें नमक ऐड कर दिया, जो इसका मैल होगा वो काट देगा, वो भी आपको वीडियो में दिखाएंगे जो वो कैसे निकल के बाहर जाता है। अब देखिए इसको हमने बढ़िया तरीके से मैरिनेट कर दिया। अब ये देखिए अब ये बॉयल होने में चल पड़ा है, ये कम से कम 15 से 20 मिनट में एकदम तैयार हो जाएगा। अब जो है ये कलेजी अपना जो है बॉयल हो रहा था, अब इसकी गंदगी हम सफाई कर रहे हैं, देखिए आप। जी एकदम अच्छी तरीके से करते हैं हम लोग सर। देखिए आप कलेजी अब जो है ये आधा बॉयल हो गया, अब इसको जो है 2 मिनट में हम उतार देंगे। अच्छा एक वीडियो जो हमने आपकी कम से कम 1 साल पहले यहाँ पे बनाई थी, जी जी, कलेजी रोल की। हाँ जी। तो उसमें जो काफी लोगों के कमेंट आए थे और वो कह रहे थे कि भाई पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए सर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा शुरू से दिखा रहे हैं। बॉयल हो रहा भी है बढ़िया तरीके से और आप कह भी नहीं सकते, ये आप एकदम करीब से देख सकते हैं। जी अभी इसको छान देंगे तो बाकी उधर बाहर हो जाएगा, है ना। सिर्फ हम कलेजी कलेजी लेंगे इसका, वो भी सफाई से धुल के इसको हटाएंगे। जी आप अब देखिए, लीजिए अब इसको हम छानते हैं कलेजी को, आप इस तरीके से देख सकते हैं। जी ये देखिए हमने इसको छान दिया, छानने के बाद जो है इसको हम खंगाल लेते हैं, एक बार इसको खंगाल लेते हैं। ये देखिए इसका गंदगी निकल गया, अब जो है इसको हम इसको धुल लेते हैं एक बार। जी एक बार हम धो लेते हैं, जो है और भी इस पर गंदगी हो तो हम उसको बढ़िया तरीके से निकाल देंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो गया है बिल्कुल। इसको हम एकदम आप हमें देख के कह सकते हैं हम सफाई से रहते हैं। और छान देते हैं, ये लीजिए देखिए जो गंदगी रहा इस पर चला गया, इसको हमने हटा दिया। अब इसको बढ़िया से धुल के अब इसको हम हटा देते हैं, ये छन आ गया पूरा देख सकते हैं। अब यह देखिए हम इसको चढ़ाने जा रहे हैं और इसको असली काम की तैयारी करेंगे। जी मसाले डाल देंगे। जी अब इस पर मसाले गिरेगा फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अपना आ गया ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये आ गया थोड़ा सा प्याज आ गया, ये कितनी प्याज है, ये कम से कम 1 किलो प्याज जाता है। ये देखिए 1 किलो किलो है, स्लाइस में काट रखा है इसलिए ज़्यादा लग रहा जी, इसलिए ज़्यादा लग रहा आपको। जैसे कि हम लीजिए 1 किलो 100 ग्राम कर दिया आपके कहने पे। अब जो है ये इस पे आ गया छोटी इलायची, इस पे आ गया जाके लौंग, दालचीनी, एकदम यूनिक तरीके से हम इसे तैयार करते हैं। अब देख सकते हैं सब आपके सामने। ये आ गया तेज पत्ता अपना, ये अपना मसाला, ये हो गया नमक, ये देखिए इतनी क्वांटिटी में इतनी जाएगी। ये अपना आ गया गरम मसाला जो अपने हाथ से हमने तैयार किया। ये आ गया हल्का काली मिर्च पाउडर, ये आ गया अपना जीरा पाउडर, ये आ गया थोड़ा सा हल्दी, ये आ गया धनिया पाउडर, और ये फिर आ गया मिर्च पाउडर जिनके नाम से लोगों की जलन होती है। अच्छा जितने भी आप मसाले डालते हैं सारे के सारे रेडीमेड होते हैं, कैसे होते हैं? नहीं सर इसको हम खुद पीस के इस्तेमाल करते हैं, इसको खड़ा लाते हैं हम। जी जी एकदम टोटल इस दुकान का मसाला हम खड़ा लाते हैं, खुद पीस के तैयार करते हैं। ये देखिए इस पर हल्का सा रिफाइंड आ गया, अब इसको जो है तैयार करने में चला देते हैं। ये कम से कम 1 घंटा पकेगा। अब जो है इसको आपको फिर बीच में दिखाएंगे, फिर पकाने के बाद दिखाएंगे। ये बोले जी इसको कम से कम 10 मिनट इसको जो है ना बढ़िया सा भुना के अब इस पर चारा पानी। ये देखिए आ गया पानी, ये एक जग आ गया पानी। अब इसकी ये पूरा पानी के साथ बढ़िया सा पक जाएगा। कम से कम अभी समझ लीजिए ये आधा घंटा अभी भी जो है इसका पानी सूखने में लग जाएगा।
फिर जो है 15 मिनट ये पकेगा और फिर ये ड्राई होगा, फिर इसका जो है असली चीज़ आपको दिखाएंगे। प्याज भूनते भूनते आधा घंटा हो गया है, आप थोड़ा और इसको भुनेंगे, कम से कम आधा घंटा और भुनेंगे। ये प्याज जो है ना पूरा गल चुका है, ये एकदम ड्राई करेंगे इसको, भूनते भूनते ड्राई करेंगे पूरी तरह से। हाँ, फिर तेल ऊपर नहीं आएगा, जब तक तेल नहीं आएगा भून भून के तब तक इसको भुनेंगे। और प्याज दिखाना जरा कितना गला हुआ है। प्याज देख सकते हैं पूरा प्याज एकदम गल चुका है। लगभग कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम आधा घंटा और लग जाएगा। आधा घंटा जी, ये कम से कम भून भून के आधा घंटा से ये पूरा एकदम सूखा कर दिया। हाँ, अब जितना इसका एकदम ग्रेवी था एकदम ये ड्राई हो गया एकदम, इसको इसमें खाली कर देंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं कि वहाँ पे पटना रोल पे हमने जो रोल खाया था उनका जो है पराठा बनाने का कुछ अलग तरीका था, और यहाँ पे जो भैया ने देख सकते हैं कढ़ाई को जो उल्टा कर रखा है और इस पे इस रोल को बनाने की प्रयास करेंगे। ओ भाई साहब क्या बात है, ये तो बड़ा ही अलग तरीका है यार। तो गाइस दिल्ली में जो हमारे जो है दिल्ली में क्या कई जगह जो हमें रेडीमेड पराठे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने यूनिक तरीके से, ये देखिए भाई क्या बात है, मतलब भैया ने मुट्ठा भी ऐसा बना रखा है कि हाथ भी नहीं जलेगा और पराठा पूरा सीखेगा। तो भाई क्या बात है भाई, ये तो पूरा ही सेक दिया, दबा दबा के जान निकाल दी उसकी है। और गाइस सबसे मेन चीज़ ये है कि पराठा भी जो है गरम गरम आपकी आंखों के सामने तैयार हो रहा है, क्या बात है भाई। ये प्याज के लच्छे हैं, और क्या क्या डालने वाले हैं? मेयोनीज है। ये मेयोनीज है, हाँ ठीक है। और मीठा सॉस है, ये मीठा सॉस है जी। अभी मुरमुरा जाएगा। अच्छा ये अपना मटन जो है पहले से रेडी करके रखते हैं। सो फाइनली गाइस हमारा जो है रोल जो है बन के बिल्कुल रेडी है, मटन रोल। अब जो है इसको टेस्ट करने की बारी है, इसको जो कवर किया इसको हटा देते हैं। ये देखो भाई अंदर का माल, तो भाई आपने चिकन रोल तो बहुत खाए होंगे, एग रोल भी बहुत खाए होंगे, लेकिन जहाँ बात आती है मटन रोल की तो भाई साहब उसकी तो बात ही अलग है। बिल्कुल मटन ऐसे बनाया हुआ है जैसे घर के जैसा मटन होता है ना, ऐसा मटन इन्होंने बनाया हुआ है रोल के लिए तैयार किया हुआ है। और चटपटे का स्वाद, जो मिर्ची का स्वाद आ रहा है, मतलब कि जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो मन कर रहा है कि बस बताऊँ कम और अब जो खाना स्टार्ट करूँ। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर देवरिया के आसपास अगर आप हैं और एक अच्छी शॉप अगर देख रहे हैं मटन या चिकन के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ चिट चैट पे आ सकते हैं, पूरा एड्रेस जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।